नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको लेकर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, हजारों की संख्या में जो छात्र हैं, वो परेशान रहते हैं और उनके दिमाग में ये बात आती रहती है कि किस तरह से ज़िंदगी में चीज़ों की शुरुआत की जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज एक्सेप्टेंस की, आज मैं बात कर रहा हूँ स्वीकार्यता की। अक्सर लोग अपने बारे में, स्वयं के बारे में कई सारी धारणाएं बना लेते हैं, कई सारी ऐसी मान्यताएं बना लेते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर इस तरह की कमी है, मेरे अंदर पर्सनैलिटी की वो जो जिस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी खूबसूरती जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, या मेरा मेंटल सेटअप उस तरह का नहीं है जिस तरह का आज सिनेरियो चल रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक धारणा अपने अंदर लेके आएं कि आप जैसे भी हैं आप श्रेष्ठ हैं, आप जैसे भी हैं आप वैसे के वैसे खुद को स्वीकार करते हैं। जैसे ही आप अपने आप को स्वीकार करना शुरू करते हैं, आप अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू होता है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि दुनिया में आधे से ज़्यादा काम हमारे सिर्फ इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमें अपने ही ऊपर ग्लानी होती है, हमें अपने ही ऊपर लगता है कि शायद हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है या हम हैं ही ऐसे जो किसी काम को पूरे ढंग से सच्चे मन से कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देते हो, खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो कि मैं जैसा भी हूँ मैं और बेहतर हो सकता हूँ, मैं बेहतर तो हूँ लेकिन मैं पर डे और बेहतर बनूँगा, हर क्षण मैं बेहतर बनूँगा, तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। वास्तविकता ये है कि आपका जो अंतर मन है, जो सोचने समझने वाला मन है, वो अंतर मन जब जब जिस तरह की बात को आपको मैसेज के रूप में भेजता है, आपकी बॉडी, आपका पूरा माइंड उसको एक्सेप्ट करके उसी ढंग से काम करना शुरू कर देता है। एक एग्जांपल मैं अक्सर दिया करता हूँ, एक आपके पास एक कॉल आती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके घर पे कोई मुसीबत आ गई, वो फेक कॉल है, झूठी कॉल है, लेकिन आपकी बॉडी कैसे एकदम से जर्क लेती है और आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, आपको घबराहट होती है, आप दौड़कर भागकर गाड़ी चला के जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करते हैं और आपको पता चलता है कि ये तो फेक कॉल थी, किसी ने झूठ बोल दिया था। लेकिन दोस्त, ये बताइए आप कि इस पूरे दरमियान, इस 5 मिनट के वाक्य में आपके माइंड ने ऐसा क्या किया कि आपके शरीर से पसीना आना शुरू हो गया, आपका शरीर थर थर कांपने लगा, आपके अंदर अचानक एनर्जी आ गई। इसका मतलब ये हुआ आपके दिमाग में जो चल रहा है उसी हिसाब से आपकी बॉडी और आपकी फंक्शनिंग रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। अब सोचिए कि जब आप किसी काम को करने जाते हैं, किसी बात को डिसाइड करते हैं और तब आप देखते हैं कि असफलता मिल रही है और उतनी हमें ग्रोथ रेट नहीं मिल पा रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न यही है कि आपने अपने मन में उस चीज़ को पाने की उतनी स्ट्रॉन्ग धारणा नहीं बनाई है या आपको अपने मन में ही विश्वास नहीं है कि मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। आपकी बॉडी, आपका माइंड उसी हिसाब से रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस लेवल से, जैसा कि आपको कॉल आई थी फेक कॉल और आपको यकीन हुआ था उस बात पर, इसी तरह से आप अपने लक्ष्य पे पाने के लिए यकीन करना शुरू करें खुद पर, खुद को स्वीकार करके, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। ये कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि ये खुद से पूछने वाली बात है। आप जब भी अपने आप से पूछेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा। क्या वास्तविकता में आप ये चीज़ चाहते हैं या सिर्फ आपने एक नाम मात्र के लिए उसे टारगेट बना रखा है? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस भारतवर्ष के अंदर सरकारी नौकरी को एक बहुत बड़ी उपाधि माना जाता है, एक बहुत बड़ी जरूरत माना जाता है, लोगों का ऐसा सोचना है। सरकारी नौकरी या कोई भी लक्ष्य जिसे आप चाहते हैं उसको आप पाना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्ट कितने परसेंट लोग होते हैं? ऐसे लोग जो कि ये मानकर चलते हैं कि मुझे सिलेक्ट होना ही है एनी हाउ, तो लाखों बच्चों में से कुछ सैकड़ा बच्चा सिलेक्ट होते हैं और वो स्टूडेंट होते हैं जो ये समझते हैं कि इसका सिलेक्शन, ये टारगेट मैं पाकर ही रहूँगा। उनके मन की धारणा, उनका मन का विश्वास कि हाँ मैं इस पोस्ट को पा सकता हूँ, वही लोग सिलेक्ट होते हैं। तो कौन लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं होते, जो जानते हैं कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ या जानते हैं कि मैं टारगेट अचीव कर सकता हूँ, उसके बाद भी सिलेक्ट नहीं होते? उसका एक ही कारण होता है, आपके मन की स्थिति, आपके मन की धारणा। जब तक आप उस सीट के काबिल खुद को नहीं समझते हो तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है।
तो दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है वो खुद पर भरोसा करना, खुद को स्वीकार करना, खुद को एक्सेप्ट करना और साथ ही ये अपने आप को बताना कि मैं इस पद के लायक हूँ, मैं इस लक्ष्य को पाने के काबिल हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। दोस्तों जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, ये पूरी दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी, घर के लोग भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। सब कुछ डिपेंड आप पर है, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल आप हैं। परिस्थितियाँ कुछ भी हों जिन्होंने आपके बिलीफ सिस्टम को जनरेट किया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका आत्मविश्वास सारी परिस्थितियों को बदल सकता है। सारी परिस्थितियां मिलकर भी आपको नहीं बदल पाएंगी अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपने आप को स्वीकार करना शुरू।